नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ISO के ऊपर में। क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट्स हम जब बनाते हैं तो उसके लिए कुछ एक स्टैंडर्ड हमारे को निर्धारित करना रहता है, क्योंकि बगैर स्टैंडर्ड हम निर्धारित किए क्या है कोई भी इक्विपमेंट्स को हम बना नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर सही तरह का स्टैंडर्ड नहीं होगा, सही तरीके का इक्विपमेंट्स अगर नहीं बनेगा, तो उसे क्या है एक्सीडेंट वगैरह होने का या टूटने फूटने का ज़्यादा चांस रहेगा, उसके चलते बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी यह है कि हम जो भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए, और वो स्टैंडर्ड क्या है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमको कोशिश ये करना है, या हम जो भी करें या जो भी करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड होता है, ISO के हिसाब से होता है। क्योंकि उसके बगैर क्या है कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी पार्ट हम बना नहीं सकते हैं। जितने भी इक्विपमेंट्स बनते हैं वो सब ISO के ऊपर निर्धारित रहते हैं, क्योंकि उनका एक अपना मानक होता है, उसके ऊपर में उसको टेस्ट किया जाता है, उसका एल टेस्ट किया जाता है, YSTS किया जाता है, UTS टेस्ट किया जाता है उसको। तो इसके लिए क्या है ISO बहुत ज़रूरी है। और ISO के तहत क्या है, खाली किसी चीज़ का स्टैंडर्ड के साथ में हेल्थ का भी देखा जाता है कि जो आदमी ह्यूमन रिसोर्स है वो जो काम कर रहा है उसके प्रति क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। और दूसरा क्या है कि एनवायरनमेंट के भी साथ में है कि एनवायरनमेंट उससे कितना खराब हो रहा है क्या है। इसके अलावा जो लैंड है, लैंड भी क्या है हमारा कितना खराब हो रहा है, वाटर रिसोर्स है, वाटर में कितना कंटेमिनेशन जा रहा है। तो इसके लिए क्या है, एक ISO का ऊपर में और ISO के अंदर इसको डिक्लेयर किया गया है कि भाई इन्वायरमेंट भी सही होना चाहिए हमारे को, इंक्लूड जो हेल्थ है, ह्यूमन रिसोर्स है उसको सही होना चाहिए, इंक्लूड क्या है जो लैंड है, लैंड भी कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसके अलावा क्या जो वाटर है वो वाटर कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये अगर खराब होंगे तो क्या जो पर्यावरण है वो पर्यावरण खराब हो जाएगा हमारा। तो इसके लिए क्या है, ये सब एक स्टैंडर्ड के तहत आते हैं। दूसरा क्या है, ISO में ये भी निर्धारित किया गया है, ये निर्धारित किया गया है कि जो हम इक्विपमेंट्स बना रहे हैं तो जो हमारा कस्टमर है वो सही होना, कस्टमर जो है वो जो इक्विपमेंट्स ले रहा है वो सही है तो उसका फीडबैक सही हमारे को दे। क्योंकि जब तक हम क्या है कोई भी इक्विपमेंट बनाते हैं, हम तो बना लेते हैं लेकिन जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई अगर नहीं हो पा रहा है तो क्या है उसमें और सुधार करने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि कस्टमर को जो उसका कस्टमर का जो फीडबैक आएगा वो सही होना चाहिए। क्योंकि हम इक्विपमेंट्स अपने पास रखने के लिए तो कोई बना नहीं रहे हैं, उसको मार्केट में जाता है, तो मार्केट में जाता है तो उसके लिए क्या है जो भी कस्टमर है उसका सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। क्योंकि अगर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा तो फिर क्या है कोई भी इक्विपमेंट्स बाजार में सेल नहीं हो सकता है, मार्केटिंग नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्या है ये ISO एक बनाया गया है, और इसके ऊपर में बहुत सारी नीतियां भी हैं, और भी इसको मॉडिफाई भी किया जा रहा है ISO को। अभी 2001 था, उसके बाद 14001 हो गया इंक्लूड, अभी क्या है 45001 आ गया है। तो ये सब धीरे धीरे इसमें भी क्या है इम्प्लीमेंटेशन हो रहे हैं। और इस ISO के अंदर में बहुत सारे SOP भी बने हुए हैं, जो हम लोग शॉर्ट फ्लोर पे जो काम करते हैं उसके लिए SOP वगैरह बने हुए हैं कि काम कैसे करना है हमारे को।
एसओपी का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रैक्टिस। तो जो हम काम कर रहे हैं उसमें कितना स्टैंडर्ड है और उससे क्या हमारे सब हैजार्ड्स हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, उसमें क्या क्या रिस्क हैं, क्या हैजार्ड्स हैं, जो मतलब एक हीरा के अंदर आते हैं ये सब चीजें। तो ये क्या है, ये जो हीरा के अंदर जितने भी आने वाले हमारे ये हैजार्ड्स हैं उनको हमारे क्या वेरीफाई करना रहता है। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हैजार्ड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्स के लिए क्या हैजार्ड्स हैं या इक्विपमेंट्स के लिए क्या हैजार्ड्स हैं, उसमें हमारा दिया हुआ रहता है। उसके बाद में क्या है, इसका एक हम PCDA इसमें दिया हुआ रहता है, प्लान डू चेक एक्ट। इसमें एक ये दिया हुआ रहता है PDCA, जो प्लान डू चेक एक्ट। अगर इसको हम हिंदी में अगर करते हैं तो जो हम प्लान करते हैं तो प्लान के लिए क्या है, हमारा एक कोई भी संस्था है तो उसमें एक प्लान हमारे को बनाया जाता है जिसमें क्या है सारे ह्यूमन रिसोर्स को जोड़ा जाता है उसमें, और नीति एक बनाई जाती है जो प्लान में आता है। उसके बाद में डू आता है कि मतलब हम कैसे करें उसको, कैसे निर्धारित करें, क्या करें उसको। उसके बाद में हमारा आता है चेक, हमने जो काम किया है उसको सही तरीके से हम चेक करें और निर्धारित करें, उसको जांच करें, क्योंकि पर्यावरण के नीति और उद्देश्यों के लक्ष्यों को कानूनी तौर पे और आवश्यकताओं को के विरुद्ध प्रक्रिया की निगरानी और उसके माप को सही होना उसमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में हमारा एक्ट मतलब उसके साथ में जो रूल्स है वो क्या है उसको फॉलो करना हमारे को बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि अगर हम एक्ट को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या है जो भी हमारा प्लांट का संचालन है वो व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। तो एक्ट को फॉलो करना बहुत ही ज्यादा उसमें जरूरी रहता है हमारे को। तो हम इसीलिए क्या है ये ISO में दिया हुआ है प्लान डू चेक एक्ट, इसको फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। इसके बाद में इसका एक ये दिया हुआ रहता है आपको एनवायरमेंट, इसमें एक और आपको ये बनाया हुआ रहता है डायग्राम एक बनाया हुआ रहता है जिसमें आपको पर्यावरण नीति रहता है, उसके बाद में उसका योजना रहता है, योजना के बाद में आपको कार्यान्वयन एवं संस्थापन का संचालन का वो रहता है, उसके बाद फिर चेकिंग की रहता है, उसके बाद फिर एक प्रबंधन की समीक्षा रहता है, उसके बाद में निरंतर सुधार की वो उसमें और क्या क्या सुधार कर सकते हैं हम उसके लिए एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एक उसमें डायग्राम बनता है। वो डायग्राम हम आपको अगले वाले उसमें वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो क्या है ये ISO 9000 जो है और 2001 SOP रहता है, इसमें बहुत सारे तो हमने एक देखिए एक मॉडल बनाया है जो ISO के अंतर्गत जो आता है। तो इसमें क्या है एनवायरमेंट पॉलिसी रहता है, उसके बाद प्लानिंग रहता है, इसके बाद में इम्प्लीमेंटेशन एंड उसकी पॉलिसी रहती है, इसके बाद में फिर चेकिंग रहता है, इसके बाद में मैनेजमेंट का रिव्यू रहता है, इसके बाद कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट रहता है, क्योंकि कोई भी चीज़ का इम्प्रूवमेंट जो है वो कंटिन्यूअल होना चाहिए, तभी क्या है कोई भी इक्विपमेंट्स
या कोई भी काम है वो सही तरीके से हो सकता है। उसमें अगर कंटिन्यूअल अगर इम्प्रूवमेंट नहीं अगर हो रहा है तो क्या है वो जस का तसी बना रहेगा और उसकी जो मानक क्षमता है वो सही नहीं रह पाएगी। तो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट होने से क्या है, एक तो गुणवत्ता सही होगी, दूसरा क्या है उसका जो लागत है वो कम होना चालू हो जाएंगे, उसको उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगा। तो इसके लिए क्या है, ये एक एनवायरमेंटल पॉलिसी जो इसमें दिया हुआ है तो इसका क्या है, इसका पर्यावरण नीति में एनवायरमेंट पॉलिसी पर्यावरण नीति के तहत आता है ये। और इसमें जो हमारे जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, इसके बारे में आईएसओ का कुछ स्टैंडर्ड किया हुआ है कि इसको इतना इतना होना ही चाहिए, अगर उससे ज़्यादा है तो उसके लिए जो भी इक्विपमेंट्स लगाने हैं उसको कंट्रोल करने के लिए तो वो हमारे को लगाने पड़ते हैं। ऐसे ही है क्या हमारा योजना प्लानिंग, ये है प्लानिंग। हम पर्यावरण नीति को सुधार के लिए और क्या क्या हम कर रहे हैं उसकी एक योजना होना चाहिए, क्योंकि और उस संगठन में और ह्यूमन सोर्स के लिए क्या हमने योजना बना के रखी है वो इसमें दर्शाना चाहिए। उसके बाद में क्या है, कार्यान्वयन एवं संचालन, इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी। तो इसको क्या है, हमारा जो भी हम कार्यपालन में जो भी काम कर रहे हैं, अधिनियम कहा इम्प्लीमेंटेशन एंड पॉलिसी, तो इसमें क्या है बहुत सारे प्लान्स के साथ में इम्प्लीमेंटेशन भी हमारे कर रहते हैं। जैसे कि कोई भी प्रोसेस अगर है तो उसको बार बार हम उसका कुछ मेथड चेंज करके और उसको हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसको और कुछ इम्प्रूवमेंट करते हम जितने जाएंगे तो क्या है उसकी पॉलिसी में भी सुधार आएगा और उसके कार्यान्वयन में भी हमारे को सही रहेगा। अब रह गया चेकिंग, ये जितने हम प्रोसेस किए हैं इसको आईएसओ के हिसाब से हमको चेक करना चाहिए, क्योंकि बना तो लिए हैं लेकिन अगर चेक नहीं करेंगे तो हमारे को पता कैसे चलेगा कि वो सही चीज है या नहीं है। तो चेकिंग करना बहुत जरूरी है। ये होने के बाद में मैनेजमेंट रिव्यू प्रबंधन समीक्षा। तो ये क्या है, जो मैनेजमेंट होता है इसका एक जो ग्रुप होता है जो ऑडिट होता है तो वो आके उस कुछ चीज को चेक करते हैं कि आप जो काम कर रहे हो वो तरीके सही हैं और जो आईएसओ के हिसाब से जो निर्धारित किया गया है वो इक्विपमेंट सही है या इक्विपमेंट सही बना है कि नहीं बना है। तो ये क्या है, एक मैनेजमेंट का ये समीक्षा होता है उसको। उसके बाद में क्या है, हमारा कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। उसके बाद में क्या, हमारा आगे का जो है निरंतर सुधार। ये होने प्रबंधन समीक्षा होने के बाद में उसमें और क्या हम सुधार कर सकते हैं आगे में, उसके लिए ऑडिट का कुछ उनका ये रहता है, कमिटमेंट रहता है और प्रबंधन का भी कुछ कमिटमेंट रहता है कि भाई इसमें और क्या सुधार होना चाहिए और उनका कुछ जो पॉइंट रहता है उसको सुधार करने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि सुधार करेंगे तभी हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये एक छोटी सी जानकारी रही आप लोगों को आईएसओ के बारे में। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े, दूसरों का भी ज्ञान बढ़े दोस्तों। तो इसके साथ नमस्कार, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।